फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे तो आज की आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपके परिवार से सारी बीमारियां बाहर निकल जाएंगी। फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हो, या बालों का झड़ना हो, या चेहरे के पिंपल्स हो, यानी कि हर छोटी से लेकर कैंसर तक जैसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से बाहर निकल सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं एक ऐसी चीज की ओर जो हमें कुदरत ने बिल्कुल फ्री दी है, और वो चीज है सूर्य यानी कि सन। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि सूर्य से पौधे अपना खाना बनाते हैं। पौधों के लिए सूर्य की एनर्जी कितनी जरूरी है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि सूर्य हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या आपको पता है कि जब भी हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। देखिए ये कितना तगड़ा प्रोसेस है। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बना सके, लेकिन हमारी बॉडी जिसे कुदरत ने बनाया है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। आप इसमें कुछ नहीं करते, बस आपको धूप में खड़े होना है, हमारी बॉडी अपने आप धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट करती जाएगी। तो ऐसा ही तो पौधे करते हैं। पौधे जब सूर्य की रोशनी में होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। उनका खाना भी तो विटामिन्स मिनरल्स ही है। उसी तरह से हमारा खाना भी सूर्य से बन जाता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये विटामिन डी कितना फायदेमंद है। जब हम सूर्य की रोशनी में बैठकर विटामिन डी लेते हैं तो इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इतना ही नहीं, कई और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो सिर्फ सूर्य की रोशनी में बैठने से सही हो सकती हैं। सूर्य के फायदे के बारे में आपको डॉक्टर नहीं बताता, किसी भी डॉक्टर से आप ये सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का फायदा नहीं है। इतना कि ये सारी चीजें डॉक्टर्स को पढ़ाई में पढ़ाई भी नहीं जाती, क्योंकि डॉक्टर्स को ये चीजें क्यों पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इसका फायदा तो किसी को मिलने नहीं वाला, क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलेगा, ये फ्री की चीजें हैं। दूसरा, हम लोग जो है वो इंडोर जनरेशन बन गए हैं, यानी कि हम लोग बंद कमरों में रहते हैं। हम लोग बंद कमरों में रहने के साथ साथ जिम भी बंद कमरों में जाते हैं। उस जिम के अंदर दूसरे लोगों की छोड़ी हुई गंदी सांस को अपने लंग्स में भर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहेगी। तो ऐसे में आपके किए हुए वर्कआउट का भी फायदा नहीं होता। सूर्य के बारे में एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, हमारा गायत्री मंत्र दियो योना प्रचोदयात, इसका मतलब है हे सूर्य हमें एनर्जी दो, यानी कि हमारा गायत्री मंत्र भी सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है। उसके अलावा आप देखें तो हर धर्मों में सूर्य नमस्कार को कितनी ज्यादा महत्ता दी गई है। योगा में सबसे पहले शुरुआत सूर्य नमस्कार से ही होती है। हिंदू धर्म में सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार किया जाता है, यानी कि ये सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंट को जानते ही नहीं है। आप देखिए, जब भी हमारे किचन में ग्रेन्स के अंदर कभी भी कुछ कीड़े पड़ जाएं, आपकी दालों में कीड़े पड़ जाएं, आटे में अगर कुछ कीड़े पड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे, उसे धूप में रख देंगे। धूप में रखने से होगा क्या, कुछ ही समय के अंदर अंदर आप देखेंगे सारे कीड़े चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वायरसेस और बैक्टीरिया जो हमारे उन दालों में थे, ग्रेन्स में थे, वो चले गए। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर से वायरसेस और बैक्टीरियाज बाहर निकलते हैं। ये जो आजकल का ये जो वायरस फैला हुआ है, आप देखिए ये किन कंट्रीज में है, ये सबसे ज्यादा उन्हीं कंट्रीज में है जिन कंट्रीज में सूर्य की धूप नहीं निकलती। तो आप सोचिए सूर्य की धूप वायरसेस को किस तरह से खत्म करती है। हम जानते हैं कि ये जो आजकल का वायरस है ये ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये ऐसे देश हैं जहां पर 6-6, 8-8 महीने सूरज ही नहीं निकलता। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से अगर हम चाहते हैं कि वायरसेस और बैक्टीरियाज को हम खत्म कर सकें तो हमें सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। आजकल के इस वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप कुछ समय सूर्य की धूप में जरूर बैठें। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगर आप सूर्य की धूप में बैठते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर से कई कीटाणु, कई वायरसेस खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य की धूप में बैठते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर के छोटे छोटे पोर्स के जरिए ये जो सूर्य की रोशनी है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो अंदर से ये वायरसेस बैक्टीरियाज को खत्म करती है, खून के अंदर से गंदगी को खत्म करती है। आप देखेंगे अगर आप थोड़ा समय भी सूर्य की धूप में बैठ जाएंगे तो आपको उसके बाद जब बाथरूम आएगा तो वो ज्यादा पीले रंग का आएगा। ये पीले रंग का क्यों आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। अगर आपका खून गाढ़ा हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो सूर्य की धूप में बैठें, इससे आपका खून पतला होगा और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सूर्य की धूप में बैठने से आपके पिंपल्स भी सही हो जाएंगे, बालों का झड़ना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सूर्य की धूप में बैठने से कई फायदे ले सकते हैं। आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानते हैं
जिसके सेवन से आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और वो चीज है दोस्तों अंजीर। अंजीर के फल को आप ऐसे भी लाकर खा सकते हैं या फिर आप अंजीर को एज अ ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। तो दोनों तरह से ही अंजीर फायदेमंद है। अंजीर के अंदर कॉपर, सल्फर, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। ये अंजीर का सेवन अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आप अपनी बॉडी की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसको लेने का सबसे सही ढंग क्या है? सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन करना। एक अंजीर सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए अगर आप खाना शुरू कर दें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आपकी बॉडी में टिक सके। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे खत्म करने के लिए सबसे सही अगर कोई चीज है तो वो अंजीर ही है। हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये अंजीर कैसे फायदा करती है? ये हमारी बॉडी के अंदर के सोडियम के लेवल को कम करती है और पोटाशियम को बढ़ाती है, जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर इंसान की जान तक ले सकता है। बहुत से लोग इसके बारे में ये नहीं जानते कि हाई ब्लड प्रेशर जान भी लेता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर बहुत ही नॉर्मल सी चीज कहते हैं। कुछ लोगों को पिछले 5-10 साल से हाई बीपी होगा, उनको लग रहा है कि पिछले 5-10 साल से हाई बीपी है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब है आपका खून गाढ़ा है और आपके दिल को बहुत ही जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। अब अगर ये दिल इतना काम करेगा तो एक समय पर हमारा दिल कमजोर पड़ जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जिनको हाई बीपी है, समय के पड़ते उनका दिल कमजोर पड़ जाएगा और एक दिन ये काम करना बंद भी कर सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण है आपके खून का गाढ़ा होना। अब अगर खून गाढ़ा है तो खून हमारी आर्टरीज में जमा भी होगा। अगर खून गाढ़ा है तो खून की क्लॉटिंग भी बनेगी। तो ब्लड क्लॉटिंग होना, खून का हमारी आर्टरीज में जमना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, ये सारी बीमारियां हाई बीपी से ही होती हैं। इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, खून आपका गाढ़ा होगा जिससे आपके चेहरे पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं। यानी कि हाई बीपी से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, हमारे दिमाग की नसों पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो दिमाग की जो खून की नसें हैं उन पर भी प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक समय ऐसा आ सकता है जब आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा जब आपको हाई बीपी होता है तो आपका दिमाग भारी रहता है। बहुत से लोगों का हाई बीपी के कारण दिमाग फट जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, जिस कारण से पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाता है, आपकी आधी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज ना करें, इसका परमानेंट इलाज करें। टेम्परेरी इलाज नहीं करना। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको छोटी सी गोली देगा और वो आपको कहेगा कि जब भी आपका बीपी हाई हो तो ये दवाई ले लेना। अब उससे होगा क्या, एक दिन तो हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाई बीपी के लिए परमानेंट इलाज करना है। और सबसे बढ़िया परमानेंट इलाज है सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन। अगर आप अंजीर का सेवन हर रोज खाली पेट करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 महीने में पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जितना पानी पी सकें, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास 5 गिलास, जितने गिलास सुबह उठकर पानी के पी सकें, उतना ही जल्दी आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। इस चीज को आप कहीं लिख कर रख लें, इस चीज को नोट करके रखें, ये सबसे बढ़िया चीज है हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए। दूसरा सबसे जो बड़ा फायदा अंजीर का है वो है कफ की प्रॉब्लम दूर होती है। ये जो आजकल के वायरसेस हैं ये भी कफ की प्रॉब्लम ही है। आजकल के इन वायरस से आपको होता क्या है, ये आपके नाक के जरिए आपकी बॉडी में चला जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके लंग्स में इंफेक्शन हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, यानी कि ये कफ की बीमारी पैदा करता है। तो अगर आप कफ की सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस से, निमोनिया से, अस्थमा से, सर्दी खांसी जुकाम से, तो अंजीर का सेवन करें। अंजीर का सेवन करने से अस्थमा की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अंजीर का सेवन करने से सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया खत्म हो जाता है, यह सबसे बढ़िया है। लेकिन अंजीर का सेवन कैसे करना है, सुबह खाली पेट एक अंजीर का सेवन करना है, क्योंकि अंजीर में फाइबर काफी मात्रा में होता है, जिस कारण से ये बवासीर जैसी बीमारी में बहुत अच्छा है। बवासीर का मेन कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बवासीर का मेन कारण आपकी बॉडी में अम्लता यानी कि एसिडिटी भी हो सकती है। तो अंजीर एसिडिटी को भी कम करेगा और साथ ही साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करेगा, जिससे अंजीर के सेवन से आप बवासीर जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अंजीर के सेवन से आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या ये पता है कि ये जो जोड़ों का दर्द है ये होता क्यों है? दरअसल हमारी बॉडी के अंदर हमेशा एसिड्स बनते रहते हैं। अब ये जो एसिड्स हैं हमारे खून में मिलते हैं और किडनी इन एसिड्स को बाथरूम के जरिए बाहर निकालती है।
अगर आप ज्यादा एसिड्स वाला ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो फ्रेंड्स ये खाना हमारे खून में एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिस कारण से हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड बढ़ने से ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। जोड़ों में जमने के बाद जब भी हम चलते फिरते हैं तो जोड़ों में कटकट की आवाज आती है, धीरे धीरे ये जोड़ घिसने लगते हैं और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। अब अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो आप अंजीर का सेवन करें। अगर आप अंजीर का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आप अपने जोड़ों के दर्द को 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं, इतना बढ़िया है ये अंजीर का सेवन। तो दोस्तों इस तरह से आप अंजीर के सेवन से अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। अंजीर के सेवन से आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, अंजीर के सेवन से आपके चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, अंजीर के सेवन से आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अंजीर के सेवन से और सूर्य की धूप में बैठने से अपनी कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, आजकल के इन वायरसेस से बच सकते हैं और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका यह एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोबारा आएगी ही नहीं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।